फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये पांच नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस को हमने बड़े साइज में किस तरह से बनाना है ये मैंने वीडियो में बताया है। येलो और ग्रीन में मैंने इसे खास तौर पर बसंत पंचमी के लिए बनाया है और इससे पहले भी मैंने एक बसंत के लिए ड्रेस अपलोड की है येलो और ग्रीन में। इस ड्रेस को भी आप बड़े साइज में किस तरह से बना सकते हैं ये मैंने वीडियो में बताया है और यहां पर आप बनाने के बाद फैब्रिक ग्लू से मोती लगा सकते हैं। और अगर आपके पास येलो कलर में पहले से पोशाक है तो आप इसे रेड व्हाइट में या किसी भी और कलर में बना सकते हैं। किसी भी कलर में बनी हुई ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही खिलेगी। ये देखिए, बैक साइड पर एक ग्रीन सर्कल हमने और बनाया है और 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया यूज किया है 3 mm। तो चलिए हम ये ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। तो पांच नंबर कान्हा जी की ड्रेस की मैंने चोली बना ली है। अब इसके आगे हम घेरा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और स्लिप स्टिच यहाँ पर बनाते हुए मैं आर्म होल की साइड पे आ गई। यहाँ से मैं घेरा बनाना शुरू करूँगी। शुरू में हम दो चेन लेंगे क्योंकि हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच बनाया है लास्ट टाइम, यहीं पर एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन हो गए हमारे पास, तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो इस चेन में ये दो बार हमने यहाँ पर चेन बनाई है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पर ये दो बार हो गया क्योंकि चेन को भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया मानना है। नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे, सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। अब नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में दो बार। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर सेकंड चेन में हम दो बार बनाएंगे। देखिए, ये दो, एक दो, एक दो, राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। यहाँ पर चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिये थे, 25, तो उसमें से मैंने 24 डबल क्रोशिये यूज़ किए हैं, 24। ये वाली लास्ट जो 25th है ये चेन, इसको मैं स्किप कर दूंगी और यहीं से एक और दो राउंड को ज्वाइन करूंगी। 24 डबल क्रोशिया मैंने यूज किए हैं, तो हमने एक छोड़ के बढ़ाया है हर में, तो ये 36 हो गई यहाँ पर मेरे पास हाफ डबल क्रोशिया, 36। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे इसका, येलो। तो जहां पर मैंने स्लिप स्टिच बनाया है ग्रीन कलर से, सेम प्लेस पर पहले मैं येलो से बनाऊंगी। तो यहाँ से ये देखिए चेन खुली रहती है थोड़ी, तो नेक्स्ट में फिर से एक बार मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी येलो से। तो अब ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लिए मैंने डबल क्रोशिये की हाइट के। तीन चेन हमने और लेने हैं जो हमने सेंटर में लेने हैं दो डबल क्रोशिये के। एक स्किप करेंगे, दो स्किप करेंगे, थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया हम इस बार बड़ी हाइट का ऐसे नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पर होल बड़ा हो जाएगा अगर इसे आप लंबा बनाएंगे खींच के। एक दो तीन, एक दो, थर्ड में इस तरह से साथ, इसे आपने ऐसे खींचना नहीं है, छोटा सा डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे फिर ये आपका होल छोटा रहेगा। अगर इस साइड से भी लंबा होगा डबल क्रोशिया, इस साइड से भी बड़ा सा होगा, तो यहाँ पर होल बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दो तीन, एक दो, थर्ड में। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया, तीन चेन लिए मैंने, एक दो तीन, थर्ड चेन में हम ज्वाइन करेंगे इसे स्लिप स्टिच से। तो स्टार्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन इसीलिए लिए थे, 3 डबल क्रोशिया की हाइट के और 3 हमने ये सेंटर वाले लिए थे। तो 36 थे मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया, जो हाफ डबल क्रोशिया जो 36 थे, 36। तो एक दो और थर्ड चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो एक ये होल के लिए 3 हमारी ग्रीन चेन यूज होती हैं, तो 36 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 12 आया, 12। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और 12।
अब यहाँ पर होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम होल में दूसरी बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चेन लिए मैंने, और यहाँ से काउंट करेंगे स्टार्टिंग जो फर्स्ट चेन है, 1 2 3 4 5, 5 चेन हम स्किप करेंगे और सिक्स्थ चेन में हम छठी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 और 2 चेन लेंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन में हमने जो डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ इस तरह से भी बना सकते हैं, ये एक धागा उठाकर, लेकिन मैंने यहाँ पर ये दो धागे उठाकर चेन में, ये देखिए दो धागे चेन के उठाए हैं फिर डबल क्रोशिया बनाया है। एक दो चेन लेंगे, 2 स्किप करेंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद आपके पास 1 और 2 चेन रह गई हैं, यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो डबल क्रोशिये के ऊपर चेन है यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर होल में दो बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया हमने बहुत ऐसे छोटा छोटा नहीं बनाना, थोड़ा सा उसे धागे को ऐसे खींच के रखेंगे और थोड़ा सा ऐसे खुला हाथ से बनाएंगे, उससे ये बड़ा थोड़ा स्टिच आएगा। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर आगे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए ये लंबा है थोड़ा धागा, तो इसी तरह से आपने डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो बार बनाया यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये इसकी जो डबल क्रोशिया की चेन है वहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर हमने 5 चेन स्किप किए थे, तो चेन के फर्स्ट चेन के ऊपर बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, इसमें सेकंड चेन के ऊपर बनाएंगे एक बार और, तो 2 चेन हो गए। थर्ड चेन है जो यहाँ पर 3 बार बनाएंगे, 1 इसी जगह पर, ये 2 सेम प्लेस 3, फिर ये फोर्थ चेन आ गई, फोर्थ चेन में हम 1 बार बनाएंगे, फिर ये फिफ्थ चेन आ गई हमारे पास, फिफ्थ चेन में भी 1 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 चेन थी, सेंटर वाली के ऊपर हमने 3 बार बनाया, बाकी सब में हमने एक एक बनाया। अब इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, होल में बनाएंगे 2 बार, 1 2, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 1 बार, फिर होल में बनाएंगे 2 बार, फिर ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास, एक चेन लेंगे वर्क को टर्न करेंगे। तो ये हमने एक चेन ली है, ये देखिए ये एक चेन ली है, इसे छोड़ देंगे और इसके साथ वाले ये वाले स्टिच को छोड़ देंगे, और उसके बाद ये देखिए ये फर्स्ट, ये तो हमने चेन ली है, ये वाला हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट में एक हमने उसकी चेन लेनी है। ये देखिए चेन में 2 धागे होते हैं, ये देखिए 2, लेकिन हमने ये बैक साइड वाला लूप लेना है, फुल चेन को नहीं लेना इस तरह से। तो 2 बार बनाया मैंने सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया, 1 सेम प्लेस पर 2 सेम प्लेस पर 3। अब इसके बाद फिर से हम 10 बार बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7
आठ, ये देखिए ये लास्ट है हमारे पास चेन, नौ हो गए। और यहाँ पर जो हमने एक चेन ली थी इसे भी उठाएंगे, तो ये 10 हो गए। लास्ट में जैसे हम तीन चेन लेते हैं जब भी क्रोशे वर्क हम करते हैं, तो लास्ट वाली जो तीन चेन होती है उसके ऊपर बनाते हैं, तो यहां पर हमने एक चेन जो लास्ट में ली थी उसके ऊपर भी हमने बनाया है। 10 इस साइड हो गए, 10 इस साइड हो गए, सेंटर में हमने तीन बनाए। एक चेन लेंगे, यही वाली जो एक चेन लेंगे इसमें हम लास्ट में आकर जब घूम के आएंगे तो इसमें भी बनाएंगे। उसके बाद हमने ये देखिए ये एक चेन छोड़ दी, उसके बाद ये वाला छोड़ दिया, उसके नेक्स्ट में हमने एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। पहले हमने ये 10 बनाए थे, अब ये 11 बनाए। अब हमने 11 के बाद, 11 के बाद हमने तीन बार बनाना है। इसी जगह फिर से बनाएंगे दो, इसी जगह फिर से बनाएंगे तीन, और 11 बार हम इस साइड बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 बार हमने बना लिया। और 11 बार जो हमने 11th टाइम जो है ये हमने जो एक की चेन ली थी उसके ऊपर बनाया, तो ये 11 हो गए। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर हमने ये उसी तरह से ये चेन छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद बनाएंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। पहले 10 बनाए थे फिर 11, अब 12 बनाए। 12 बनाने के बाद यहाँ पर हम तीन बार बनाएंगे, एक, दो और तीन, फिर 12 बार बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, और ये जो चेन है इसे उठाकर 12वीं बार बनाया। तो ये इस तरह से हमारे पास पत्ती आ गई। अब हमने इसे इस तरह से ये देखिए इसमें 4 रोज हैं, एक, ये दो, ये तीन और चार, इस साइड भी चार हैं। चार बार हमने यहाँ पर फिर स्लिप स्टिच बनाना है। पहले हमने इस पत्ती को ज्वाइन करना है, यहाँ जो स्टार्ट में एक की चेन थी उसमें मैंने डाल के इस तरह से इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमने चार इसमें रो है, चार इस साइड है, तो चार बार हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाना है। तो फर्स्ट, यही वाली जो फर्स्ट रो है इसमें ऐसे क्रोशिया हुक डाल लेंगे, और इसके बैक साइड वाली जो फर्स्ट रो है ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच हमने इस तरह से छोटा धागा करके नहीं बनाना, थोड़ा सा इसे ऐसे लूप को बड़ा रखेंगे। फिर हमने सेकेंड रो को उठाया दोनों साइड से, ये देखिए फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। सेकेंड रो को उठाकर इसे थोड़ा बड़ा रखेंगे, फिर थर्ड रो में ये थर्ड रो को उठाकर मैंने स्लिप स्टिच बनाया, फिर ये फोर्थ रो है, ये फोर्थ रो को उठाकर स्लिप स्टिच बनाया।
इसके बाद हमने ये कैसे घुमा ले। ये घुमाकर ये देखिए यहाँ से चेन आपकी सीधी आनी चाहिए, ये एक चेन, ये दो, यहाँ पर दो चेन जो रह गई थी अब उसमें भी हमने बनाना है। फर्स्ट चेन में हमने बनाया स्लिप स्टिच, फिर इसकी जो सेकंड चेन है ये देखिए यहाँ पर फिर से बनाया स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर हमने दो बार बनाया था स्टार्ट में होल में, दो बार यहाँ पर और बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है दो। इसके बाद हम एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेंगे, पांच चेन लेकर हमने ये सारी एक दो तीन चार चेन छोड़ देंगे और फिफ्थ चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट होल में यही वाली पत्ती बनाएंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाई है उसी तरह से पहले हमने होल में दो बार बनाना है, यहाँ पर एक बार बनाया, ये दो बार बनाया, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, 14 टाइम्स बनाया मैंने यहाँ पर, और पांच यहाँ पर स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पांच, और सिक्स्थ में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने बड़ा बड़ा नहीं बनाना, छोटा छोटा बनाना है ताकि यहाँ पर होल ना बड़े बने। एक दो चेन लेंगे, एक दो स्किप करेंगे थर्ड में, तो यहाँ पर ये फिर से वही पत्ती स्टार्ट हो गई, एक और दो चेन लेंगे, एक दो स्किप करेंगे थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, दो चेन यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर हम बाद में स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाकर जब ये सारी पत्ती बन जाएगी फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ पर आकर दो बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये पत्ती हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। तो इसी तरह से फिर आप ये पत्ती बना लें। फिर जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, पहले हम इन सब के होल के ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट रो में हम 10 बार बनाएंगे, फिर 11 बार, फिर 12 बार, तो 11 बार तक आप रो बना लें। जो 12 वाली हमने रो बनानी है, 12 सिंगल क्रोशिया वाली, उसमें हमने इसके साथ इसे ज्वाइन करना है, तो मैं ये पत्ती बना लेती हूँ फिर आपको ज्वाइन करना बताती हूँ। तो ये 11 वाली रो मैंने बना ली, यहाँ पर ये 11 आए हैं, इस साइड भी 11 आए हैं सिंगल क्रोशिया, अब हमने ज्वाइन करना है इसे। ये देखिए यहाँ पर एक चेन लेंगे, उसी तरह से ये चेन छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले को छोड़ देंगे और आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दो, तीन मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए, इसे इस तरह से लूप को बड़ा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारी ज्वाइनिंग वाली है जो ये धागा है, उसके बाद एक दो और ये तीन, थर्ड वाले की हमने इस साइड वाले लूप को रहने देना है, ये वाली लेंगे, इसमें से इसे निकाल देंगे तो ये पत्ती ज्वाइन हो जाएगी। इसके बाद फिर से हम एक दो तीन हमने सिंगल क्रोशिया बनाए, एक, ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया हुआ है, एक दो तीन, थर्ड में हमने इसे ऐसे फिर से ज्वाइन किया और इसके बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब भी हमने ये वाली रो बनानी है इसकी जिसमें हमने 12 बनाए हैं सिंगल क्रोशिया, उसमें हमने इसे ज्वाइन करना है। एक बार बनाया सिंगल क्रोशिया, ज्वाइन करने के बाद ये दो तीन चार पाँच छः, छः बनाए, इसके बाद नेक्स्ट में मैं 3 बार बनाऊंगी, एक सेम प्लेस पर, दो सेम प्लेस पर, तीन। ये देखिए ये धागा थोड़ा बड़ा है, सिंगल क्रोशिया मैंने छोटे छोटे नहीं बनाए, उससे पत्ती की शेप हमारी अच्छी आएगी। इसके बाद फिर से हमने 12 बार बनाना है, एक दो तीन
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और यहाँ पर ये 12। अब इसे फिर से हम ज्वाइन करेंगे। ये जो 1 2 3 चारों हैं इसकी, इस साइड भी चार हैं, चार को चार के साथ 4 बार हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। पहले हमने यहाँ से ऐसे निकाल लेना है, थोड़ा सा इसे बड़ा रखेंगे। तो फर्स्ट वाली दोनों साइड की रो को लेकर मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट रो को लेंगे, ये सेकंड वाली, इस साइड से सेकंड रो को लेंगे, फिर थर्ड रो को लेंगे, फिर फोर्थ रो दोनों साइड से। उसके बाद यहाँ पर ये 2 चेन थी, यहाँ पर भी हमने स्लिप स्टिच बनाना है, ये एक बार बनाया, फिर सेकंड चेन में बनाएंगे सेकंड टाइम। इसके बाद यहाँ पर हर होल में, यहाँ पर ये जो होल है 4 बार हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा। 2 हमने पहली बार, पहले जो हमने बनाया है वो 2 बार बनाया है, अब जब हमने स्लिप स्टिच बनाया 2 बार, उसके बाद हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया, एक और ये 2। 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, चार स्किप करेंगे, फिफ्थ चेन में हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर छोटा सा लूप बन जाएगा। अब नेक्स्ट होल में फिर से पत्ती स्टार्ट करेंगे, पत्ती स्टार्ट करने के लिए 2 बार हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसके बाद वही पत्ती स्टार्ट हो जाएगी, पूरी पत्ती बनेगी 2 बार, फिर यहाँ पर फिर से बनेगा सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए 2 पत्तियाँ मैंने बना ली। इसी तरह से आप हर होल में पत्तियाँ कंप्लीट कर लें। तो सारी पत्तियाँ मैंने बना ली, 12 पत्तियाँ यहाँ पर मैंने बनाई है। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर मैंने 3 बार बनाया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, ये वाली पत्ती को लेंगे, देखिए यहाँ से ये 1 2 3, फिर 1 2 3, सिक्स्थ में मैंने इसे ऐसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगी, फिर हम 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 बार बनाया मैंने फिर से यहाँ पर, देखिए 1 2 3, थर्ड को लेकर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे हम, और बाकी के हम 3 बार और बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया पत्ती को कंप्लीट करने के लिए। ये 2 और ये चेन को उठाकर ये 3। अब हमने इस पत्ती को ज्वाइन करना है, ये देखिए इसके साथ तो हमने ज्वाइन कर दिया, अब इसे हमने आपस में ऐसे उसी तरह से जैसे पहले किया है, चार बार बनाएंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच, 4 रो है यहाँ पर, 4 बार यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद ये चेन है जो 2 बार यहाँ पर बनाना है, 1 2, ये देखिए यहाँ पर हमने इस होल में 2 बार बनाया है, 2 बार हमने और सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी होल में, टोटल हम एक होल में 4 बार बनाते हैं, 1 और 2, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन लेकर हमने 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने इसके ऊपर
ये देखिए फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है हमारा, इस होल का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो यहाँ पर भी ये देखिए सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पर ये लूप बने हैं, यह लास्ट में भी हमने लूप बना दिया। तो येलो कलर का धागा मैंने काट दिया, ये देखिए इस तरह से बीच में ये छोटा लूप बनता है और ये हमारी पत्तियाँ बनती हैं। अब हम ग्रीन कलर को स्टार्ट करेंगे। ये ग्रीन कलर हमने यहाँ पर काटा नहीं है, ये जो जहाँ पर हम जिस चेन में ये ग्रीन चेन में हमने ये येलो कलर को बनाया है, इसी चेन में हमने इसे स्टार्ट कर लेना है धागे को। एक दो तीन चेन लिए हमने, यहाँ पर हमने ये देखिए दो चेन हम स्किप करते हैं, थर्ड में हम ये येलो कलर से बनाते हैं। तो तीन हमारी ग्रीन चेन है यहाँ पर, तीनों में हमने बनाना है, येलो कलर वाली में भी बनाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर येलो कलर की थी उसमें ये तीन की चेन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाया डबल क्रोशिया, इसके बाद हमने एक चेन लेनी है। और ये जो येलो कलर का जिस चेन में बनाया है उसी ग्रीन चेन को उठा लिया, ये एक, फिर नेक्स्ट येलो ग्रीन कलर को उठाया चेन को दो, फिर नेक्स्ट को उठाया तीन, एक चेन लेंगे सेंटर में। तो तीन तीन हम बनाते जाएंगे, दो चेन यहाँ पर हमने स्किप की हुई है और एक में हमने ये ग्रीन में ये येलो कलर से बनाया है उस चेन को भी हमने लेना है। तो तीन तीन आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाएं, एक दो तीन, उसके बाद एक चेन लेंगे तो रो को कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन ली मैंने, एक दो तीन, थर्ड में स्लिप स्टिच से। तो सब में ये देखिए तीन है तीन है, स्टार्ट में हमने एक ये तीन की चेन ली है, दो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर ये जो होल है ये और ये है, तो यहाँ पर ये देखिए ये ग्रीन कलर जो हमने ये देखिए ऐसे है, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर भी ग्रीन कलर आ जाएगा। अब ये तीन है, तीन के ऊपर हमने चार बार बनाना है। फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बार बनाएंगे, इसके ऊपर एक बार बनाएंगे, और फर्स्ट वाले के ऊपर एक बार बनाएंगे, सेकंड वाले के ऊपर एक बार बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर हम दो बार बनाएंगे। हर तीन के ऊपर हमने इसी तरह से चार बनाने हैं, उसके बाद हमने बीच में चेन लेनी है। एक दो तीन चेन ली हमने, नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसके ऊपर ये थर्ड चेन है, थर्ड चेन में हमने दो बार बनाना है, उसी से हमारा राउंड जो है इंक्रीज होगा। ये एक सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे, ये दो हो गए, एक चेन लेंगे सेंटर में, फिर फर्स्ट वाले के ऊपर एक बार, सेकंड वाले के ऊपर एक बार, थर्ड वाले के ऊपर दो बार, ये सेम प्लेस पर फिर से हम बनाएंगे, इसके बाद एक चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये एक चेन ली मैंने यहाँ पर, एक दो तीन, थर्ड चेन। तो ये देखिए 12 हमारे पास पत्तियां हैं, ये चेन हमने इसीलिए रखी है ताकि ये भी 12 बने और 12 को आप 12 के साथ इजीली ज्वाइन कर पाए, आपको बार बार ये ग्रीन चेन गिननी ना पड़े। सिर्फ इसीलिए हमने बीच में ये सेंटर में एक एक चेन लेकर होल रखा है। तो ये देखिए ये होल को आप गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 ही ये होल हैं, 12 ही ये पत्तियां हैं। तो ये इस तरह से इसके नीचे ये देखिए अब जो होल था वो हमारा दिखाई नहीं देता। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम। अब हमने ये देखिए ये चार है हमारे पास, चार के ऊपर पांच बार बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, इसके ऊपर एक बार, इसके ऊपर एक बार, तो तीन हो गए, और लास्ट वाले के ऊपर दो बार बनाएंगे। और साथ में ये जो लूप है, हमने तीन यहाँ पर पांच पांच चेन लेकर छोटे छोटे लूप बनाए थे, इनको भी हम ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ। तो ये जो हमारा ये चार में से जो पहला डबल क्रोशिया है इसके साथ हमने ऐसे लूप को ज्वाइन कर देना है,
जब हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, इसको साथ लेकर बनाना है। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टार्टिंग हमारा लूप है, तो इसे लेंगे। ये देखिए, ये दो पत्तियों के सेंटर में ये जो लूप है, तो जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, स्लिप स्टिच बनाया है, तो स्लिप स्टिच में से हमने फिर से एक बार ऐसे लेकर स्टार्ट हमने इस तरह से किया है। इसे हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, 1 2 3 चेन लेंगे, एक हमारी ये हो गया डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये दो हो गए, नेक्स्ट में बनाया 3 हो गए। अब ये जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे सेम प्लेस पर, एक बार और, तो ये 5 हो गए। फिर एक चेन लेंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर हमने बनाना है, फर्स्ट वाले के साथ हमने ऐसे इसे लेकर इसमें से लेंगे, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया में से लेंगे, कट्ठा दोनों में से ऐसे निकाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस साथ में लूप को लेते जाना है, बाकी 4 के ऊपर हमने 5 ही बनाने हैं। ये 3 नेक्स्ट के ऊपर, लास्ट है जो हमारा डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने ये 5 बार, यहाँ पर 2 बार बनाया, 3 हमारे, ये एक चेन लेंगे, फिर ये वाला लूप लेंगे, ये लूप में से डाल लेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया में से डाल के इकट्ठा हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस साइड से इस तरह से दिखाई देगा। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने एक चेन लेकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। अब इस राउंड में ये 6 हो जाएंगे। इसी तरह से पहले के ऊपर एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, तो 4 हो गए। लास्ट वाले के ऊपर 2 बार बनाएंगे। पहले हमने ये वाले लूप को साथ में लेकर ये देखिए बनाया है, अब हमने ये पत्तियों को भी साथ में ज्वाइन करना है। आप ड्रेस को ऐसे रख के देखिए, ये आपका जो सर्कल है जो ग्रीन कलर का, इसमें ऐसे खिंचाव नहीं आना चाहिए, ये ऐसे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा खिंचाव आ रहा है, पूरा राउंड सही नहीं आ रहा, तो आप ये 4 है, ये जो जैसे 5 है, तो आप 6 भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी 6 ले लिए, यहाँ पर भी 6 ले लें, यहाँ पर भी 6 ले लें, जो ये हमने राउंड बनाया है 5 वाला, इसमें बस ये खींचना नहीं चाहिए। तो डबल क्रोशिया का जरूरी नहीं है कि 3 है फिर 4 है फिर 5 है, ये आप अपने हाथ, जैसे आपका हाथ है, अगर आपका हाथ टाइट है तो आप ज़्यादा डबल क्रोशिया ले सकते हैं। बस आप ऐसे उसे हर राउंड के बाद रख कर देखिए, ये सही सर्कल आना चाहिए। अब हमने 3 की चेन ली, 3 की चेन लेकर हमने नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए हमारे पास। तो थर्ड वाले के साथ अब पत्ती को ज्वाइन करेंगे, ये 2 है हमारे पास, ये धागा लिया है, पत्ती को आप इस तरह से रख कर देख ले, ये वाली पत्तियों के सेंटर में, ये देखिए ये 2 पत्तियों के सेंटर में है, तो यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे, इसे साथ में लेना है। ये जो नीचे वाली साइड से ये लूप है, इसे साथ में लेंगे, और नेक्स्ट जो हमने चेन में डबल क्रोशिया बनाना था, उस चेन को साथ में लेकर ये थर्ड मैंने बना लिया डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, ये 4 हो गए डबल क्रोशिया। फिर लास्ट है जो, उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, तो ये 6 हो गए। ये चेन ली हमने, फर्स्ट में बना लेंगे, फिर सेकंड में बना लेंगे, जो थर्ड में बनाना है वो हम इस तरह से बनाएंगे। इस साइड से हमने ये वाले लूप को साथ में ले लेना है, और चेन को साथ में लेंगे, ग्रीन वाली को, दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 हो गए, नेक्स्ट में बनाएंगे, 4 हो गए, फिर लास्ट वाले में 2 बार बनाएंगे, 5, इसी में 6, एक चेन लेंगे और फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पत्तियाँ हमारी इसके साथ ग्रीन के साथ अटैच हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप राउंड कंप्लीट कर लें। तो ये लास्ट में आकर मैंने 2 बार बनाया डबल क्रोशिया,
उसके बाद ये धागा लिया, ये पत्ती के सेंटर में, इसे साथ में लेंगे और इसे साथ में लेकर इकट्ठा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीन हो गए, नेक्स्ट में बनाएंगे चार और लास्ट वाले में दो बार। एक बार बनाया इसी जगह पर, ये दूसरी बार बनाया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन, थर्ड चेन में। तो इस तरह से ये देखिए पत्तियाँ भी इसके साथ अटैच होगी और रॉन्ग साइड से ये सर्कल हमारा सही आना चाहिए। अब ये देखिए हमारे पास एक दो तीन और तीन छः, छः हैं, छः के ऊपर सात बनाएंगे, एक दो तीन चेन लिए हमने, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे तो ये दो हो गए, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे तीन, नेक्स्ट में बनाएंगे चार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे पाँच, फिर ये लास्ट वाली जो चेन है इसके ऊपर दो बार बनाएंगे, एक और सेम प्लेस पर फिर से दो, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने सात सात डबल क्रोशे बनाते जाना है, सबके ऊपर एक बार बनाएंगे और ये जो लास्ट है यहाँ होल के पास इसके ऊपर दो बार बनाएंगे। राउंड कंप्लीट हो गया, एक चेन लेकर यहाँ पर एक दो तीन, थर्ड में स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके बाद एक दो तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, ये वाला राउंड भी उसी तरह से बनाएंगे, सबके ऊपर एक बार बनाएंगे, लास्ट वाले के ऊपर दो बार बनाएंगे। एक दो तीन, ये चार पाँच छ, ये सात और इसी जगह लास्ट वाले में आठ, एक चेन लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लें। हर बार ग्रीन राउंड बनाने के बाद आपने ड्रेस को रख के देखना है, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेकर एक दो तीन, थर्ड में हमने स्लिप स्टिच बनाया, देखिए इस तरह से ये है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया, अब नेक्स्ट चेन में हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये सेकंड चेन के ऊपर आ गए हम, सेकंड डबल क्रोशिया के, देखिए यहाँ पर इसमें हमने, इस लूप में हमने ये जो ज्वाइन किया हुआ है इसी को छोड़ देंगे उसके साथ वाले में, यहाँ पर यहाँ से इस लूप को निकाल लेंगे, एक दो तीन चार चेन लेंगे, दो बार धागा घुमाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से इसको लेंगे, थर्ड वाली चेन छोड़ देंगे, फोर्थ वाला जो डबल क्रोशिया है ये थर्ड वाला छोड़ देंगे, ये फोर्थ वाला डबल क्रोशिया, पीछे आठ है हमारे पास डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ट्रिपल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं किया मैंने, यहाँ पर दो रह गए, एक बार दो बार धागा घुमाएंगे, यही वाले लूप को छोड़ देंगे, ये देखिए ये वाला, उसके साथ वाले लूप में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन हो गए, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे, एक दो चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, एक और दो चेन लेंगे, एक और दो, सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी हमने डबल क्रोशिया बनाना है बस जब ज्वाइन करना है, इन तीनों का एक करना है तब हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो चेन लिए हमने, एक और दो, इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर सेंटर में हम तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन लिए हमने, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया।
यहाँ सेंटर में जो हमने तीन सिंगल क्रोशिया लिए हैं, सेंटर वाले के ऊपर हमने तीन में से जो सेंटर वाला है उसके ऊपर हमने दो बार बनाया, फिर ये दो चेन लिए मैंने, एक स्किप किए, फिर दो चेन, एक स्किप करेंगे, ये देखिए यहाँ यहाँ पर हमने तीन का एक किया है, उसके बाद एक दो और ये तीन, इसी तरह से इस साइड एक दो और तीन। अब यहाँ पर हमने फिर से दो बार लेना है, धागे को घुमाना है, इसको छोड़ेंगे नेक्स्ट में, इसको कंप्लीट नहीं किया, फिर दो बार लेंगे। अब यहाँ से होल में से देखिए इसको हमने ज्वाइन किया है, अब ये आठ है, आठ में से एक दो तीन चार, फोर्थ वाले के साथ में लेना है, दोनों को साथ लेकर यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, कंप्लीट नहीं करेंगे, एक और दो इसे छोड़ देंगे जिसमें ये येलो बना हुआ है, नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब ये चार हो गए, चारों को एक साथ निकाल दिया, एक और दो चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, एक स्किप करेंगे, तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। एक और दो चेन, तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए लास्ट पत्ती मेरी अभी रहती है, यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर से हमने ये दो बार धागा लिया, यहाँ से उठाएंगे होल में से, और ये बैक में हम एक दो तीन चार, यहाँ फोर्थ के ऊपर इसे साथ में लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से हम यहाँ पर हमने बनाया है तो नेक्स्ट में, अब ये चार हो गए, चारों को इकट्ठा निकाल देंगे, एक और दो चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, बाकी जगह हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ट्रिपल नहीं बनाना है, दो चेन लेंगे और ऊपर हमने यहाँ पर तीन लिए हुए हैं ये सिंगल क्रोशिया, तो सेंटर वाले के ऊपर आपने इसे सेंटर वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया और सेंटर वाले के ऊपर आपने दो बार बनाना है, यहाँ पर तीन चेन लिए, फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन, एक स्किप करेंगे, दो चेन, एक स्किप करेंगे, एक दो, दो चेन लिए हमने, एक दो तीन चार, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। अब हमने ये देखिए जैसे ये है, ये जो सेंटर वाला है यहाँ पर हमने पांच सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर यहाँ तीन बनाएंगे, तीन बनाएंगे, इसी तरह से यहाँ पर हम पांच बनाएंगे, तीन बनाएंगे, तीन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम तीन तीन नहीं बनाएंगे, एक बनाएंगे और इसके बाद ये जो चेन है इसके ऊपर सेकंड यहाँ पर बनाएंगे और एक हम यहाँ पर बनाएंगे, तो ये वाले दो होल में हमने एक एक बनाना है, एक हमने चेन के ऊपर बनाना है, तो टोटल यहाँ पर सेंटर में तीन बनेंगे। तो अब हमने होल में बना लिया एक बार सिंगल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट होल में तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन, नेक्स्ट होल में तीन बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तीन, और ये जो ऊपर वाला है यहाँ हमने तीन चेन ली थी, तो तीन चेन में हमने पांच बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये दो तीन चार पांच, इसके बाद यहाँ पर तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन, नेक्स्ट होल में तीन बार, एक दो तीन, अब ये जो होल है यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे, एक बार हम बनाएंगे ये जो तीन का हमने एक किया है इसकी चेन में, तो ये दो हो गए,
एक बार हम यहाँ होल में बनाएंगे, नेक्स्ट होल में। तो यहाँ पर हमने एक एक बनाया, एक हमने इसके ऊपर बनाया, इसके ऊपर हम तीन बनाएंगे, इसके बाद हम तीन बनाएंगे, ये तीन बनाए हमने, फिर नेक्स्ट में तीन बनाए, फिर यहाँ पर हम पांच बार बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, नेक्स्ट होल में तीन बार। तो राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, एक दो तीन। अब ये होल आ गया, यहाँ पर एक बार बनाएंगे, एक बार यहाँ चेन के ऊपर और एक बार यहाँ नेक्स्ट होल में, इसके बाद तीन बार बनाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये नहीं तो ढीला हो जाएगा अगर हम यहाँ पर भी तीन तीन बार बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने एक एक बार बनाना है। राउंड को ज्वाइन करेंगे, ये लास्ट होल है, लास्ट होल में हमने एक बार बनाया, इसके बाद ये जो है यहाँ पर एक बार बनाएंगे, जैसे हमने सभी जगह बनाया है। यहाँ पर फर्स्ट जो ये वाला होल है यहाँ पर हमने एक बनाया था, तो इस एक के ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। तो ड्रेस आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है, और जो इसका डायमीटर आया है 10.5-11 इंच के करीब इसका डायमीटर है। ये तो है 5 नंबर करना चाहिए। अगर आपने ड्रेस को बड़े साइज में बनाना है तो आप एक बारीक किनारी, मैंने कई वीडियोस में बनानी बताई है, तो इसके बाद आप वो बारीक किनारी बना लें। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ स्टार्ट करके, फिर आपने ये चेन नहीं लेनी अगर आपने बड़ी ड्रेस बनानी है। फिर आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चेन लिए, यहाँ पर ये दो धागे सिंगल क्रोशिया के उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, एक छोड़ के नेक्स्ट में हम इस तरह से, ये बारीक किनारे कई में मैंने बताई है ड्रेसेस में, तो ये बारीक किनारे आप 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना लें अगर आपने ड्रेस का घेरा बड़ा बनाना है। और अगर आपने 7 और 8 नंबर में बनानी है तो सेम इसी तरह से ड्रेस बनाए और उसके बाद थोड़ी सी बड़ी किनारी बना ले। ये बारीक किनारी ना बनाए, इसकी जगह पर थोड़ी बड़ी वाली किनारी बना ले कोई भी, तो आपकी ड्रेस बड़ी हो जाएगी। तो ये वाला पैटर्न जो है ये आप सेम बनाए। तो यहां पर हम धागे को काट देंगे, और इसके ऊपर आप किनारी बना ले चोली के ऊपर। अब ड्रेस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये सेम जैसे हमने बनाई है, और थोड़ा डेकोरेट करना है तो जैसे एक ये मैंने पत्ती बनाई है तो ऐसे आप एक और बना सकते हैं इसके ऊपर लेयर, तो थोड़ी और सुंदर हो जाएगी ड्रेस। तो जैसे मर्जी, चाहे आप इतनी बना लें चाहे आप ये वाली चीज भी बना लें। तो ये मैंने कैसे बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहां से ये देखिए, ये फर्स्ट चेन है, यहां पर हमने एक एक चेन को उठाकर, देखिए ये चेन है पूरी, हमने एक एक लूप को उठाया है, दोनों धागों को नहीं उठाया। तो अब ये जो इस साइड वाला एक एक लूप है इसको उठाकर हम ये किनारी बनाएंगे। एक दो तीन चेन लिए मैंने, तीन चेन लेकर एक स्किप करेंगे, ये एक लूप उठाएंगे इस साइड वाला, ये पूरी चेन को नहीं लेंगे, इस साइड वाला लूप उठाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चेन, एक छोड़ देंगे, नेक्स्ट को सिंगल लूप को उठाकर स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चेन, इसे छोड़ देंगे, स्लिप स्टिच बनाया, एक दो तीन, इसे छोड़ देंगे, एक दो तीन, इसे एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, एक दो तीन,
एक स्किप करेंगे। ये देखिए ये ऊपर वाली चेन है जो सबसे टॉप पर, वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है, एक दो तीन, यहाँ पर हमने दो बार बनाना है क्योंकि यहाँ से हमने टर्न लेना है। सेम प्लेस पर फिर से स्लिप स्टिच बनाया, एक दो तीन, एक स्किप करेंगे तो यहाँ तक आप इसी तरह से बना लें। यहाँ तक मैंने बना लिया, फिर से एक दो तीन चेन लिए और स्टार्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आकर हमने इसे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। एक चेन लेकर यहाँ धागा काट देंगे, इसके साथ दोनों की स्टार्ट वाले की और एंड वाले दोनों की हम गांठ लगाएंगे। गांठ लगाकर धागे को हमने अंदर कर देना है। तो ड्रेस कंप्लीट हो गई। सारी पत्तियों के ऊपर मैंने डार्क येलो से किनारी बना दी है और चोली के ऊपर भी मैंने किनारी बना दी है। आशा करती हूँ ये ड्रेस आपको पसंद आएगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।